सरकार का जरा फैसला कि स्कूल खोल दिए गए ने तो की तुहानू की लगता है कि सही है? नहीं नहीं बिल्कुल सही है जी, बच्चे हर जगह जा रहे हैं, किप्स मार्केट पार्टियां हो रही हैं, एग्जीबिशन जा रहे हैं, पेरेंट्स नाल हर जगह घूमन जा रहे हैं, सिर्फ स्कूल ही करवाना है, बाकी कितने क्या करवाना। राती तुसी घूमो देखो कितने पार्टियां हो रही हैं, हर जगह हो रही है, स्कूल थोड़ी करवाना है। कहते हैं ना जिम्मे अगे सियाने भी कुछ अगे बढ़ने लिए जे चार कदम पिछे पटने पै जाए तो चंगा, सो मैं कहूँगा कि घरे रहो सेफ रहो। स्कूल ना खुलन नाल बच्चे की पढ़ाई भी सफर कर रही है, सफर कर रही है, डिसिप्लिन खत्म हो रहा है बच्चों का, कुछ भी नहीं हो रहा बच्चों, कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही बच्चों की, जो थोड़ा बहुत मैनर्स है वो भी भुली जा रहे हैं। मैम जो स्कूल कोरोना पॉजिटिव आए हैं बच्चे तो उन्होंने बारे की घर च नहीं आ रहे, ये तो जस्ट एक इशू बनाना है, तुम किधरे भी बना लो। ये डर असी भी रहे हैं बच्चों को लैके, ये नहीं है कि असी डर नहीं रहे, लेकिन ये है ना कि स्कूल नहीं खोलेंगे तो बाकी जगह असी हुण बच्चे लैके जा ही रहे हैं ना हर जगह पर। देखिए खुलने चाहिए, जब मार्केट्स खुल गई हैं, सब कुछ खुल रहा है, तो स्कूल्स भी खुलने चाहिए, हमारे बच्चों का फ़ायदा है इसमें, कोई नुकसान नहीं है। पहले बच्चे मार्केट में जाते हैं, कहीं स्ट्रीट फूड खाते हैं, तब भी तो पॉजिटिव हो रहा है, प्रिकॉशन तो हमें खुद को रखनी है। स्कूल भेजते थे वहाँ जाके पढ़ते थे, अब घर बैठे हैं तो क्या पढ़ेंगे, इसलिए मजबूरी है पेरेंट्स की, ऑनलाइन क्लासेस एक मजाक है। असीं देख रहे हैं भी जिथे पहला लोग लड़ते सके भी डांटते सके पेरेंट्स अपने बच्चों कट आउट दे लई इन्नी परसेंटेज आई है उन्नी आई है, अज बच्चों के 90% आ रहे हैं, परसेंटेज सब दी 90+ ही आ रही है। सो उस टाइम ते कोई भी मार्केट है या कोई भी फील्ड है उन्होंने ये चूज़ करना औखा हो जाऊगा कि केड़ा एक्सपीरियंस है, किने समझ के पेपर दिते से, क्योंकि ओदे च तां लिखिया ही नहीं होगा। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस से, मैं हाँ तुहाडे नाल परमजीत कौर। पंजाब दे विच सारियां क्लासां दे स्कूल जिवें कि खुल गए ने, बच्चे दियां क्लासां लगनियां शुरू हो गई ने, पर इस दे नाल ही कई स्कूलों दे विच बच्चे जड़े ने ओह कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने, जिस दे करके कि काफ़ी हड़कंप मच गया है, जो कि पेरेंट्स ने वो भी काफ़ी डर रहे हैं। तो अज असी इतने लुधियाना के कुमार मंडी एरिए पहुँचे हाँ, तो इतने असी लोगों के व्यू लवेंगे कि सरकार के वलों जो यह फैसला लिया गया है स्कूल खोलन का, सारिया ही क्लासा जो कि खोल दित्तियां ने, कि यह फैसला सही है या गलत है? सरकार का जरा फैसला कि स्कूल खोल दिए गए ने तो की तुहानू की लगता है कि सही है? नहीं नहीं बिल्कुल सही है जी, बच्चे हर जगह जा रहे हैं, किप्स मार्केट पार्टियां हो रही हैं, एग्जीबिशन जा रहे हैं, पेरेंट्स नाल हर जगह घूमन जा रहे हैं, सिर्फ स्कूल ही करवाना है, बाकी कितने क्या करवाना, उन्हें हर जगह जा रहे हैं बच्चे, कि जगह पर बच्चे बंद बैठे हैं, राती तुसी घूमो देखो कितने पार्टियां हो रही हैं, हर जगह हो रही है, स्कूल थोड़ी करवाना है। स्कूल ना खुलन नाल बच्चे की पढ़ाई भी सफर कर रही है, सफर कर रही है, डिसिप्लिन खत्म हो रहा है बच्चों का, कुछ भी नहीं हो रहा बच्चों, कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही बच्चों की, जो थोड़ा बहुत मैनर्स है वो भी भुली जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। मैम जो स्कूल कोरोना पॉजिटिव आए हैं बच्चे तो उन्होंने बारे की घर च नहीं आ रहे, ये तो जस्ट एक इशू बनाना है, तुम किधरे भी बना लो, बस होर कुछ नहीं है, स्कूलों कुछ इन्ना कुछ नहीं है, थोड़ी सेफ्टी प्रीकॉशनस अपने लैके चलो, अपने बच्चों वैक्सीनेट जो वैक्सीनेशन आएगी उदो करो, कुछ तुलसी वगैरह का पानी सब कुछ अपना जो भी हेल्दी है डाइट दो, कुछ नहीं होंगे एवं फालतू। कहना मैम अपने बारे मेरा भी यही सेम कहना है जी, स्कूल खोलने चाहिए हैं, बच्चों को बहुत जरूरत है स्कूल की इस टाइम पर, अपग्रोइंग जो बच्चे हैं उन्होंने तो डिवेलपमेंट ही नहीं हो रही बच्चों की, स्कूल तो बिना डिसिप्लिन नहीं आता, जिन्ना मर्जी तुम कर लो, तो खोलने ही चाहिए हैं स्कूल, सेफ्टी हैजर्ड्स लो अपने, सब कुछ करो, लेकिन यह नहीं है कि स्कूल नहीं खोलने, गलत गल है। मैम जिवें कुछ पेरेंट ने मतलब डर रहे ने कि छोटे बच्चे ने जेड़े ना मतलब कि अपनी प्रिकॉशन सही तरीके नाल नहीं लै सकते। नहीं नहीं डर असी भी रहे हैं बच्चों को लैके, ये नहीं है कि असी डर नहीं रहे, लेकिन ये है ना कि स्कूल नहीं खोलेंगे तो बाकी जगह असी हुण बच्चे लैके जा ही रहे हैं ना हर जगह पर, तो स्कूल खोलने चाहिए हैं। हाँ जी सर बोलो कि स्कूल खोलने चाहिए, स्कूल तो खोलने चाहिए ने जी, ये कोई शक नहीं, क्योंकि बच्चे दो साल के घर बैठ के कोई पढ़ाई का लॉस ही हो रहा उन्होंने, कोई बच्चे जी ऑनलाइन चल रही है पढ़ाई, ऑनलाइन का कोई इन्ना लगता नहीं है कि वह ज़्यादा बेनीफिट है, ठीक है बच्चे पढ़ता जरूर रहे हैं ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन इन्ना कोई अच्छा नहीं है उन्होंने वास्ते। बच्चे जेडे कि पॉजिटिव आए ने स्कूलों के कोरोना पॉजिटिव आए ने उन्होंने बारे की कहना, वो तो गवर्नमेंट उन्होंने बारे जरा ध्यान रखना चाहिए, कोरोना पहला बिल्कुल स्कूलों के भी उन्होंने होनी चाहिए पहला देखभाल सारा की है की नहीं है, उस तो बाद स्कूल खोलने चाहिए ने, या पूरा उत्थे अरेंजमेंट होना चाहिए, टेस्ट होने चाहिए ने, ता ही बच्चों जाना चाहिए। हाँ जी मैम, मेरे सरकार दे वल्लों सारे शहर दे पंजाब दे विच स्कूल खोल दिए गए, तो कहना बारे कि स्कूल खोलने चाहिए सी या नहीं?
देखिए खुलने चाहिए, जब मार्केट्स खुल गई हैं, सब कुछ खुल रहा है, तो स्कूल्स भी खुलने चाहिए। हमारे बच्चों का फ़ायदा है इसमें, कोई नुकसान नहीं है। बट मैम जैसे बच्चे भी अभी बताया है कि 8 कोरोना पॉजिटिव बच्चे आ गए हैं जैसे ही स्कूल खुले हैं, तो उसके बारे में क्या कहना? पॉजिटिव आ ही रहे थे पहले, बच्चे मार्केट में जाते हैं, कहीं स्ट्रीट फूड खाते हैं, तब भी तो पॉजिटिव हो रहा है। प्रिकॉशन तो हमें खुद को रखनी है, इम्यूनिटी उनकी बूस्ट करवानी है, और अपने बच्चों का ध्यान रखना है, और पढ़ाना तो है ही है ना, ये तो है नहीं हम सारी उम्र घर बटाएंगे। जैसे मैम ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, तो आपको पता ही है ऑनलाइन क्लासेस का मुझे ये नहीं बताना चाहिए, थैंक गॉड मेरा बच्चा पढ़ चुका है। तो जिनके छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉपी सारी सामने कॉपी कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी करवा रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे पढ़ा नहीं पा रहे, स्कूल भेजते थे वहाँ जाके पढ़ते थे, अब घर बैठे हैं तो क्या पढ़ेंगे, इसलिए मजबूरी है पेरेंट्स की। ऑनलाइन क्लासेस एक मजाक है, आई थिंक सो। आपकी आपकी नज़रों में कि स्कूल खुल गए तो ठीक है, बट प्रिकॉशंस लेनी चाहिए बच्चों को। वो सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी हम सबको सेफ रहना ही पड़ना है, इस बीमारी के साथ हम जी रहे हैं, पर सेफ तो नहीं है कोई भी नहीं, प्रभु करे सब ठीक होता जाए। स्कूल खोलने का फैसला मैडम जे तो आप देखिए बच्चों की पढ़ाई में मुख रख देखिए, तो स्कूल खोलने का फैसला जरा वो चंगी गल है। आप स्कूल जो बड़े बड़े बिल्डिंगा इमारत बनाई ने वो बच्चों चंगा भविख देने ही बनाई ने जो टीचर अध्यापक ने। सो जो हुण देख रहे हैं भी करोना फैल रहा, तो तीसरी लहर बारे भी सुन रहे हैं, तो उसनों देख के बच्चे माँ प्यो चाहते हैं कि साढ़े बच्चे भी सेफ रहन, साढ़े बच्चों कोई प्रॉब्लम ना आए, सब तो वड्डी गल आ सेहत आ। सो इसलिए जे हले करोना करके कुछ टाइम होर रुक जाइए तो उसलिए चंगी गल आ, तो यही कहूँगा मैं। पर जो पढ़ाई है वह भी मेन आ, तो जो सेहत आ वह भी मेन आ। जो हुण हालात ने वो ये ने कि आप हुण थोड़ा जिहा देर रुक जाइए, कहिंदे ने ना जिवें अगे स्याणे भी कुछ अगे वधण लई जे चार कदम पिछे पटलें पै जाण तो चंगा। सो मैं कहूँगा कि घर रहो सेफ रहो। सर जिवें कि वैक्सीनेशन आ गई, वड्डे तां वैक्सीन लगवा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों के वास्ते भी पहला वैक्सीन आनी चाहिए सी स्कूल खोलन तो पहला या नहीं? देखो मैडम वो सरकार जो भी है प्रबंध सरकार नूं चाहिए, सरकार नूं करना चाहिए, तो असी तो सिर्फ आप यही कह सकते कि बच्चों की सिक्योरिटी वास्ते सुरक्षा वास्ते बच्चों घर ही रख सकते हैं हले, क्योंकि अपने बच्चों कौन चाहूगा कि साढ़े बच्चों करोना हो बीमारी हो, डर लगता, ये डर आ जो सारे के दिलों के ही फैल रहा कि करोना ना हो जाए कितने बच्चों। सो सरकार चाहिए कि वो तो वो जल्दी तो जल्दी वैक्सीनेशन तैयार करे, तो बच्चे सेफ रहन, अपनी जो पढ़ाई है उन्होंने पूरा कर, अपने सुपन पूरा करके अगे वधन। हाँ जी मैम, तुहाड़ी नज़र में जिहड़ा है सरकार दे वल्लों स्कूल खोलन दा फैसला किया है, कि ये सही है या गलत है, कि स्कूल खोलने चाहिए सी या नहीं? स्कूल तो बिल्कुल खोलने चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं बीइंग टीचर हाँ, तो बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो दूसरी गल है कि बच्चे उन्हें सीरीयस नहीं है। आप देखते हैं कि बच्चों की जो स्कूल जाते हैं क्लासिस अटेंड करते उदो उन्हों का इन्ना ध्यान नहीं होंगे, सो हूँ जो घर बैठे है उन्होंने कोई मतलब कि रोक टोक नहीं है, कोई प्रिंसीपल नहीं है, कोई कैमराज नहीं है, वो कितों उन्होंने ध्यान पढ़ाई के वल होगा, ठीक है ना। असं देख रहे हैं भी जिते पहला लोग लड़ते सके भी डांटते सके पेरेंट्स अपने बच्चों कट आउट के लिए इन्नी परसेंटेज आई है उन्नी आई है, अज बच्चों के 90% आ रहे हैं, तो जबकि मेन गल परसेंटेज लियाना नहीं है, मेन गल है कि उन्होंने लाइक समझ किन्नी है, वो तो फिर उन्होंने इस टाइम जीरो है, तो जेडे समझ के कर रहे हैं उन्होंने भी उही है भी 95% दूसर के उन्होंने भी उन्हें, फिर ये सब तो बैटर कौन है, कल को यह चूज करना बहुत औखा हो जाएगा ना। सो स्कूल तो खोलने चाहिए ही है, सारा कुछ बच्चे हर किते जा रहे हैं, फैमिली फंक्शन पार्टीज़ वगैरह गेम्स वगैरह उत्थे करोना नहीं हो रहा, कल स्कूल खोलने नाल किवें करोना हो सकता है? ये नाल ये हो रहा जिहड़े बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो जिहड़े बच्चे मेहनत नहीं कर रहे उन्हां दोनों च कल नूं साडे फ्यूचर नूं ही नुकसान होएगा, ठीक है ना। लाइक जिहड़े बच्चों ने तो समझ के अपनी लाइन दे विच अपनी फील्ड दे विच कुछ किया है, तो जिहड़े ने बिना सोचे समझे किया है परसेंटेज सब दी 90+ ही आ रही है, सो उस टाइम ते कोई भी मार्केट है या कोई भी फील्ड है उन्होंने ये चूज़ करना औखा हो जाएगा कि केड़ा एक्सपीरियंस है किने समझ के पेपर दिते से, क्योंकि उहदे च तो लिखा ही नहीं होगा। सो आई थिंक स्कूल खोले जाने चाहिए है, क्योंकि बाकी चीज़ा भी जिवें सब कुछ ओपन ही है, तो मेरे कोरोना के केस भी आ गए ने, बच्चे पॉजिटिव पाए गए, उन्होंने बारे की कहना था? देखो जेडे मेन शहर दे विच स्कूल ने ना, जिवें कि साढ़े इत्थे जिन्ने वड्डे स्कूल्स ने उन्हां च कुछ इदां दा नहीं है, वो जेडे स्कूल्स ने मे बी उत्थे कुछ उत्थे दा एरिया भी एक तां इदां दा है, ठीक है, उह तों उन्हां दे घरे भी पता नहीं किदां दा होगा या एरिया च किदां दी सफाई है नहीं है, बच्चे भी
तो जिहड़े मेन स्कूल सामने तद तुसीं इत्थे देखो इत्थे किन्नी साफ सफाई है नाले तो इत्थे तो कोई केस नहीं आया। दैट मीनस कि उत्थे दे स्कूल्स वल ध्यान देना चाहिए सरकार नूं ज़्यादा तो ज़्यादा कि जिहड़े लो तबके दे स्कूल ने या एरिया ने उत्थे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाण। वड्डे एरियाज़ 'च तो कुछ भी नहीं होया क्योंकि इत्थे लोग ही बहुत ज़्यादा मास्क पहन के रखते हैं सैनिटाइजर यूज़ करते हैं निक्की निक्की गल ते बच्चों नूं स्कूल आ जाना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए बींग अ टीचर। मैनूं लगता है कि हुण टाइम आ गया नहीं तो 2 साल हो गए ने बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। हाँ जी मैम स्कूल जड़े कि खोले गए ने हुण कि स्कूल खोलने चाहिए सी मैम बच्चे तो फैडअप हो चुके घर बैठ के पोजिशनस थोड़ी जी नॉर्मल भी हो रही सी बट जिदा कह रहे थे तीजी लहर का खतरा है एकदम स्कूल खोले केसिस बढ़ गए पेरेंट्स भी घबरा गए पेरेंट्स एक पास चाहते थे स्कूल खुलन बट दूजे पास कहें कि नहीं साढ़े बच्चे सेफ भी हो स्कूल खोले वैल एंड गुड लेकिन जरा इन्होंने मौके पर कल कई स्कूल बंद भी हो गए वह भी इन्होंने बहुत सही किया ताकि क्योंकि बच्चों का बचाव सब तो पहले बच्चों की सेफ्टी सब तो पहले है। मैम सरकार को वैक्सीनेशन लेके आनी चाहिए बच्चे मैम बिल्कुल पहले वैक्सीनेशन आए प्रीकॉशनस पूरी हो बहुत ज़्यादा एंड लाइन तो करोना आ जाए स्कूल तो उदों ही ओपन होने चाहिए क्योंकि बच्चों नाल आप रिस्क नहीं लै सकते बच्चे छोटे ने उन्होंने नहीं पता किस तरह प्रीकॉशन बिल्कुल, बिल्कुल मैम बिल्कुल तो स्कूल बंद ही रहने चाहिए नहीं खुलने चाहिए स्कूल। स्कूल जाना चाहते हो आप? हाँ जी जाना है। तो डेली स्कूल जाओगे लेकिन वहाँ पे प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी आपको। ओके क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए? हैंड वॉश करूँगी 15 मिनट्स बाद सैनिटाइजर लगाऊंगी और चीज़ों को टच नहीं करूँगी मास्क पहन के रखूँगी। बहुत अच्छे ठीक है। कई जिहड़े कि लोगों ने असीं गलबात कीती खुद पेरेंट्स भी ने उन्होंने भी यही कहा है कि स्कूल जरूर खोलने चाहिए हैं क्योंकि बच्चे जड़े ने 2 साल तो घर बैठे ने ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर स्टडी उन्होंने नहीं हो रही जड़े जिमें कि छोटे बच्चे जो किंडरगार्टन के ने उन्होंने भी काफ़ी दिक्कतें आदि ने ऑनलाइन स्टडी के एक तो वो टिके नहीं बैठते और प्रॉपर उन्होंने जो कि एक पढ़ाई है और डिसिप्लिन है वो प्रॉपर तरीके नाल नहीं हो पाती बच्चों के विच ते स्कूल खोलने चाहिए हैं पर इस दे नाल ही जड़े कि उन्होंने ये भी कहना है कि सिर्फ स्कूल ही नहीं बच्चे जिवें लॉकडाउन खुल गया है बच्चे हर जगह जा रहे हैं पार्टीज़ वगैरह भी कर रहे हैं मार्केट्स भी जा रहे हैं सब चीज़ा हुण खोल दित्तियां ने बट उत्थे भी असीं अपने बच्चों नूं प्रीकॉशन लैके ही भेजते हैं तो स्कूलों के भी प्रॉपर इस तरह की प्रीकॉशनस होनी चाहिए ने टीचर्स नूं भी ध्यान रखना चाहिए है कि बच्चे जो ने उन्हां नूं सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही बिठाना चाहिए है मास्क होना चाहिए है प्रॉपरली और हैंड वॉश होने चाहिए हैं सैनिटाइज़ करना चाहिए है सब चीज़ों जो इस कोरोना बीमारी तो बचा जा सके। तो जो भी लोगों के व्यूज़ हैं असं उन्होंने तुहाडे सामने लैके आता है कि जो सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है स्कूल खोलन का उसके बारे लोगों का की कहना है। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ परमजीत कौर तुसीं देखते रहो द सिटी हैडलाइनस।